चीन और पाकिस्तान सेमानकर नौसेनार शक्ति वृद्धि करिवारे लागिछंती। यह भारत प्रति एक बड़ विपद सृष्टि करिपारे बोली आशंका करिछंती चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान। यह आशंका संपर्क में से प्रतिरक्षा संपर्कित पार्लियामेंटरी स्टैंडिंग कमिटी को मध्य अवगत कराइछंती। विगत 10 वर्ष भितर चीन तार युद्ध जहाज संख्या बढ़ाइबारे लागिछि। युद्ध जहाज संख्या 250 रु 350 को वृद्धि करिछि। आउ चीन सहायता रे पाकिस्तान मध्य तार नौसेना शक्ति 50% वृद्धि करिबाकु योजना करिछि। जेतेबेले कि भारत पाखरे एबे मात्र प्राय 130 टी युद्ध जहाज ओ बुडा जहाज रहिछि। आगोकु ए संख्या 200 कु वृद्धि करिबाकु योजना रखिछि भारतीय नौसेना। आउ किछि दिन भितरे नौसेनार युद्ध जहाज संख्या 155 160 होई पारे बोली पार्लियामेंटरी स्टैंडिंग कमिटी को अवगत कराइछंती सीडीएस जनरल अनिल चौहान। 355 युद्ध जहाज सहित चीन एबे विश्वर सर्वबृहत नौसेना शक्ति पलटिछि। एही दृष्टिरु भारत प्रति चीन एवं पाकिस्तान पटु विपद रही सीडीएस जे आशंका करिछंती ताकु गुरुत्वर सहित ग्रहण करिछि पार्लियामेंटरी स्टैंडिंग कमिटी। कमिटी को देइथिबा रिपोर्ट रे सीडीएस कहिछंती वर्तमान भारतीय नौसेना पाखरे 131 टी युद्ध जहाज रहिछि। आमर योजना अछि युद्ध जहाज संख्या 200 को वृद्धि कराइबा। संसदरे आगत होइथिबा स्टैंडिंग कमिटी रिपोर्ट रे दर्शा जाइछि जे सीडीएस जनरल अनिल चौहान कहिछंती जे आगामी 4-5 वर्ष भितरे चीन नौसेना तार युद्ध जहाज संख्या 555 को वृद्धि करिबाकु प्लान करिछि। वर्तमान भारतीय नौसेना पाखरे 143 टी युद्ध विमान 130 टी हेलिकॉप्टर रहिछि। एथि सहित 43 टी जहाज और बुड़ा जहाज निर्माणाधीन रहिछि। स्वदेशी ज्ञानकौशल रे आउ 51 टी जहाज 6 टी बुड़ा जहाज एवं 111 टी उपयोगी हेलिकॉप्टर निर्माण पाई अनुमति मिलिछि। पड़ोसी देशगुड़िक पक्षरु भारत प्रति थिबा विपद आशंका उपरे प्रतिरक्षा मंत्रालय तर्जमा करी आवश्यक पदक्षेप नेबाकु कमिटी परामर्श देइछि। तबे संपर्कित अधिक आलोचना करिबा हम सहित रहिछंति कमांडर विश्वजीत नायक रहिछंति प्रतिरक्षा विशेषज्ञ। कमांडर नायक आपनकु स्वागत करछि न्यूज ने ओडियाकु। कमांडर नायक जेउ आशंका प्रकट करिछंति वर्तमान सीडीएस एवं ताकु भारत प्रति केते गुरुतर आशंका आपन अनुभव करूछंति आगोकु देखिले फेरि दीटा जिंस जानिबार अछि। चाइनार मेन डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट इंडिया सहित नाही। डेफिनेटली चाइनार मिलिट्री पावर इंडिया रो मिलिट्री पावर टू अधिका। चाइना तार मिलिट्री पावर इंटरनेशनल मार्केट को देखिक इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट देखे बढ़ाऊ मेजर कंपटीशन तांकर अछि क्वाड कंट्री सहित दैट इज विथ यूएस जापान इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया जो मैंने सेम वाटर रे ऑपरेट करछन्ति पर्टिकुलरली नेवी को अपोजिट देखिबे। तो तेणुकरी चाइना तार जो पावर टा बढ़ाऊ सेटा निजर सेफ्टी आउ सिक्योरिटी पे बढ़ाऊ सी डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट इंडिया भांगरे कले तार कुछ विशेष फायदा हबनी कारण आजिकल कन्वेंशनल वॉर टा बेसी होउनी ताद्वारा इकोनोमिकल स्टेप डाउन बहुत जोरे होउची। तो यही जो परिप्रेक्षी रे सी जो लेवल रे तार मिलिट्री पावर टा बढ़ाऊ आमे भी सही अनुसारे इक्वल नहले भी आमर सबु प्रकार रो साइड देखिकी आमको भी ग्रो करियर अच्छी। तो सही प्रोस्पेक्टिव टा स्टैंडिंग कमिटी सामना रे सीडीएस रखिले आ जा द्वारा से कहिले जो रिलेटिव ग्रोथ रे चाइना बढ़ुची सही रिलेटिव ग्रोथ रे इंडिया भी बढ़िबा दरकार। आ सेथि पई जहा जा इक्विपमेंट दरकार जहा जा एडिशनल शिप्स एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट कैरियर सबमरीन दरकार सेटा को ऐड करिवार अछि। आजिका डेट रे जदि आपण देखिबे इंडियन आर्म फोर्सेस हो आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनटा हो बा नेवी एक्सक्लूसिवली हो काफी डेवलप हेलाणी काफी आगो को बढ़िलाणी। तो एई जो परिप्रेक्षी रे जो जिंसटा आगो को हब्बा को चाहूची बा कोनोसी फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करिया पाई की आमे आमुकु भी रेडी करिके रखिवार अछि। किंतु मु एटा को गोटे बहुत बड़ थ्रेट देखुनी। यस आमर आजिका डेट रे जो स्ट्रेंथ अछि आमे स्ट्रेंथ को बढ़ेबा आ आमे इक्विलिब्रियम करिके रखिबा कारण नेवल वॉरफेयर भी आपण देखिबे गोटे नेक्स्ट वॉरफेयर भी आपण देखिबे गोटे कंट्री आ गोटे कंट्री भितरे डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हबनी। किंतु कमांडर नायक एठी सेही प्रश्नटी बारंबार उठे जेतेबेले चीन निजर अभिवृद्धि करुची से सामरिक क्षेत्र रे हेउ बा तार युद्ध जहाज बढ़ाऊ से तो निश्चित भाव में तार अग्रगति से करुची किंतु आ भितर पाकिस्तान मध्यर निजर नौसेनार शक्ति भी बढ़ाऊ तार युद्ध जहाज संख्या भी बढ़ाऊ चीन पक्षर ताक सबू युद्ध जहाज गुड़िक दि जाऊँ पाकिस्तान शक्ति वृद्धि होगा भारत पर चिंताजनक स्थिति
सी पाकिस्तान को तो आगुरु यूएस सपोर्ट कर चुला है बे चाइना सपोर्ट कर चुका यार और प्रोस्पेक्टिव टा इटा रही थी कि एनिमीज एनिमीज माय फ्रेंड माने जेहेतु चाइना इंडिया को गोटे वेरी हेवी ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी देखुची बा इंडिया रा ग्रोथ टा को बहुत एग्रेसिवली देखुची ये ग्रोथ को रोकिबा पाई कि एक्सटर्नल सोर्सेस रु इश्यूज क्रिएट करिया पाई कि से माने पाकिस्तान को सपोर्ट कर छु किंतु आपण देखो तो जो तुलना रे पैसा लगौची चाइना पाकिस्तान रे जो जो जिंसो भी दौची ग्राउंड रे से जिंसो एते फ्रूटफुल हो नाही जदि पाकिस्तान रो इकोनॉमी ही एते खराब अछि तांको पाखर जदि बेसिक लॉजिस्टिक आउ सपोर्ट जिंसो रहिबनी तेल रहिबनी पैसा रहिबनी इक्विपमेंट रहिबनी तो जहाज चलेबे केमती बस एयरक्राफ्ट उड़ेबे केमती तो से परिप्रेक्षी रे जदि आपण देखिबे पाकिस्तान भी भल भाव जानी जे जो इंटेंशन रे बा जो इंटेंसिटी रे इंडिया निजुकु निजो इकोनॉमिकली ग्रो करूची आउ डिफेंस को भी ग्रो करूची इंडिया सहित डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं कि दि तीन दिन रो अधिक दिस्टिबर तांकर माने लेवल नाही तो तेणु करी जदी से माने सेटी चाइना रा हेल्प नेबे सेटी यूएस हमको हेल्प करिवो आ जो जापान हेल्प करिवो ऑस्ट्रेलिया हम हेल्प को आसीबो तो तेणु करी कॉन्फ्लिक्ट ता केबे भी 1 टू 1 हबो नाही आम मानकर स्ट्रेंथ पाकिस्तान टू बहुत आगे रे अछि आ आम मानकर मिलिट्री स्ट्रेंथ चाइना टू रिलेटिवली कम रे अछि okay. तबे कमांडर नायक आपण केते अनुभव करूछंती जे भारत को निजर सामरिक शक्ति रे आहुरी वृद्धि करिवार आवश्यकता रहूछि आहुरी नाभाल शक्ति को वृद्धि करिवार आवश्यकता रहूछि कारण जदि हमें देखिबा युद्ध जहाज संख्या 250 रो 350 वर्तमान करि देलानी चीन आम पाखरे ताठरु अधारु भी कम अछि 130 मात्र आम पाखरे अछि देखंतु नंबर मैटर करे नी क्वालिटी मैटर करे क्वांटिटी डजंट मैटर इंडिया पाकर गोटे सबटु बड़ा एडवांटेज ए स्टेज रे कोन है केबे भी यूरोपियन कंट्री आ यूएस भाबिन थिला इंडिया तार निजर एयरक्राफ्ट कैरियर बने दबो तापर निजर इंडिजिनसली एयरक्राफ्ट होने की एयरक्राफ्ट कैरियर रे लैंड करे दबो दिस इज ए मैसिव माने जा कोंचमु इनोवेशन कोंतु रिसर्च ओरिएंटेशन कोंतु ग्रोथ कोंतु बा अपलिफ्टमेंट कोंतु तो मु काही कहू छी एटा ना आमे माने प्रत्येक जिंस रे एयरक्राफ्ट कैरियर होउ बा जहाज होउ आमे रशिया टू किणुथुलु यूके टू किणुथुलु फ्रांस टू किणुथुलु आ यूएस टू किणुथुलु तो आजिका डेट रे आमे माने निजे आत्मनिर्भर होउछु स्वावलंबी होउछु निजे आमर एयरक्राफ्ट कैरियर बनेलुनी शिप सब ऑलमोस्ट आमे माने निजे बहुत ही कम रशियन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आमे बनेलुनी सबमरीन आम पकरे बनेलुनी तो एई जो जिंसटा होउछि सबटु बडा अचीवमेंट नंबरटा आम पाखरे बहुत पैसा आले आमे किणिकी आणिकी रखि दबु किंतु पैसाटा को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करिकी आमो स्ट्रेंथ ता बढेबा आपण भाबंतु आमे एना जो एलसीए एयरक्राफ्ट निजे बनेई की जोडा डीआरडीओ आ हाल आ इंडियन एयरफोर्स इंडियन नेवी सहित कोलाबरेट करी कले आपण ताको फॉरेन कंट्री गुडा बे किणिबे आमे गोटे हेलिकॉप्टर जदी यूरोप रु किणुचू तार कॉस्ट अराउंड 48 करोड़ लैंडेड कॉस्ट मिलुची ट्विन इंजिन रो हेलिकॉप्टर इंडिया रे किंतु एटा जोडा बेंगलोर रे फैक्ट्री बनला जोटे बे ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर बनेबो सेटी तारो फॉर्म कॉस्ट जोडा बिल ऑफ मटेरियल रो कॉस्ट आउ टोटल ऊपर मिसेले अधा भी होबनी तो एही जो टाइप रो ग्रोथ एटा सबस्टेंशियल ग्रोथ दान आमे यूएस को रशिया टू कोटी कोटी टंगा देकी किणी के आनी हमरो निजरो बेसिक एमिनिटी को इंप्रूव जदी न करिवा तो आमे माने आजिका डेट रे गोटे एते भल कंडीशन दउछु आ जो टाइप रो आपण देखंतु जो 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी कहउछि किंतु कमांडर नायक एठे आउटे कथा मध्ये आपण ता जानिया पय चाहिबो वर्तमान नो स्थिति को देखिले गोटे पटे चीन शक्तिशाली हेउची आ गोटे पटे चीन नो सहायता रे पाकिस्तान मध्ये शक्तिशाली हेउची एई प्रोस्पेक्टिव को देखिले भारत केते प्रस्तुत रहबार आवश्यकता आपण देखु छथि आमे बहुत प्रस्तुत अछु इंडिया एबे 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी पय कि तार ऑब्जेक्टिव ऑफ तार टारगेट करूची चाहे स्पेस टेक्नोलॉजी हो चाहे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे रिन्यूअल एनर्जी हो चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल रे ग्रोथ हो बा चाहे फार्मास्यूटिकल ग्रोथ हो देन लास्ट होची एआई आईओटी रो आईटी ग्रोथ हो आपण देखंतु ए जो सबु पांचटा जिंस को नो नेकी इंडिया रो जो लेवल रो ग्रोथ कोलानी बा यूथ जो टाइप रो इनोवेशन कोलानी बा आमे जो टाइप रो वर्ल्ड मार्केट रे कंट्रोल आनिलुनी सेथि लागी बाकी कंट्री गुडा हमकु डरिलेनी तो आमे जदी डिफेंस प्रोडक्शन अधिका कर दबा हमरो फॉरेक्स एत बढ़ी जीव आम इकोनोमी एत स्ट्रंग आम पाई नंबर ऑफ शिप्स एयरक्राफ्ट टैंक फाइटर प्लेन बढ़े कि विराट बड़ जिन रही तो आम ठीक डायरेक्शन में चलुचु
आजिका डेट रे चाइना और पाकिस्तान एक्चुअली आमको डरिया स्टार्ट कले ना आगु आमर एत दम नाला कि आम आजिका डेट रे आसाम रु फाइटर प्लेन उड़ाई था सुप्रीम कमांडर को बसईकी ईस्टर्न फ्रंटियर आम के ईस्टर्न फ्रंटियर को अग्रेसिवली मूव करूनु आम के बॉर्डर रोड ईस्टर्न फ्रंटियर रे बनेनु आम एलएसए उपर एत ध्यान दे नु कि आजिका डेट रे आम मैंने सब जिन बहुत ओपनली करूचु चीन किसी ना किसी रणनीति करुछि भारत को डराइबा भारत उपरे चाप सृष्टि करिबा आपन को लागुनी जे भारत मध्य सेंती किसी कूटनैतिक स्तर रे किसी चाप प्रयोग करिबा किसी ना कूटनैतिक शक्ति प्रयोग करिवार आवश्यकता आपन अनुभव करुछन्ति कि ऑलरेडी भारत कूटनैतिक माने तार डिप्लोमेसी रे बहुत प्रेशर चीन उपरे क्रिएट करि सारलानी नहले गोटे छोटो छोटो जिनस रे चीन आमर लैंड को भी अक्योर करूथिला सेपोर्ट साइड रे कोनोसी मूवमेंट भी करे दोनो थिला एक्सटर्नल फोर्स रु भी प्रेशर पकाउथिला आपण देखंतु आजिका डेट रे चीन रे जो जो जिंस आसु थिला ता एक्सपोर्ट उपरे जो टाइप रो हेवी टैक्स पड़ी गला सेतिला कि इंटरनली से आइटम गुडा बनिबा स्टार्ट हे गलानी तो चीन रो इकोनॉमी ही मेन जिंस देखंतु आपण गोटे गोटे आर्म रेस रे केही कार्टु बहुत बड़ो बाबरे जीति पारिबे किंतु जदि आपण आपणकर इकोनॉमी को स्ट्रांग करिवे तांको ऊपर आपणकर डिपेंडेंसी कम कर देबे आ निजरो इकोनॉमिकल ग्रोथ करिकि तांको सहित कंपटीशन क्रिएट कर देबे ऑटोमेटिकली से माने वीक हेइ जिवे आज्ञा निश्चित भाबरे आमे कहि परबा जे भारत मध्ये लगातार भाबरे अग्रगति करूछि एवं आगो को मध्ये आमे आहुरी अग्रगति करबा एवं निश्चित भाबरे आमे जेहुली भाबरे चीन आमकु आगो को बढिबा पई कि जदि आमे देखिबा लगातार भाबरे किछि ना किछि परिस्थिति सृष्टि करूछि भारत ऊपर चाप पकरे पई चेष्टा करूछि किंतु भारत मध्ये स्वदेशी ज्ञान कौशल बल रे आगो को बढ़िबा पई मध्ये सक्षम एवं आगो को मध्ये आमे आगो को बढ़ी के ही देखाइबो बहुत बहुत धन्यवाद कमांडर विश्वजीत नायक आम सहित रही थे आम सहित अधिक आलोचना करुथले। ताइवान को नहीं पूरी थरे हॉट टॉपिक सतरे हेबो की तृतीय विश्व युद्ध एभली आशंका बे देखा दैछि कारण चीन राष्ट्रपति सी जिनपिंग होइजंती क्रोधित ताइवान राष्ट्रपति को अमेरिका गस्त को विरोध सत्वे से वाशिंगटन गस्त करबाकु बेजिंग आदौ हजम करि परुनी सेतिपई एबे ताइवान उपरे आक्रमण करबाकु विराट रणनीति प्रस्तुत करूछि बेजिंग किंतु अमेरिका को छाड़ीबा लोक जे नमस्कार मो स्वागतिका चलंत आरंभ करबा आजर स्पेशल रिपोर्ट जे कोनोसी मुहूर्त रे ताइवान उपरे आक्रमण करि पारे चीन ए नै एक बड़ संकेत देखिबा को मिलिछि ताइवान उपरे घोटी आसिलानी युद्धर कला बादल ताइवान राष्ट्रपति साई इंग वेन यूएस हाउस स्पीकर केविन मैकार्थी को भेटिबा परे देखा दैछि एभले आशंका एहाकु नै तीव्र प्रतिक्रिया प्रकाश करिछि बेजिंग एभले कि ताइवान सीमार जलदासी रे युद्ध पोत मुतयन करिछि ड्रैगन गत एक सप्ताह धरि चीन ओ ताइवान मथरे लागि रहिछि विवाद ए विवाद आरंभ होइछि ताइपेर राष्ट्रपति अमेरिका गस्त करबा परे स्थिति एभली होइछि एबे ताइवान सीमारे बेजिंग मुतन करिछि तार युद्ध पोत ए
ताइवान उपरे युद्धर कड़ा बादल। खूब शीघ्र चीन करिबो आक्रमण। चरम सीमा रे चीन।